तो तुलसी का पौधा जितना आवश्यक है धरती पर, उतना ही पीपल का भी, आम का भी, आंवले का भी। ऐसे ही ये गायों का होना, या हिरणों का होना, या सिंहों का होना, या बाघ चीते का होना, या बिल्ली चूहे का। बिल्ली और चूहे का देखिए कैसे मिल, चूहा बिल्ली का आहार है। बिल्ली का होना भी जितना जरूरी है, उतना ही चूहे का होना भी जरूरी है। नहीं, भगवान ने इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी बनाए हैं, ये नहीं कि ये समाज प्रतिज्ञा कर बैठा है कि मैं तमाम को जब तक नष्ट नहीं कर दूंगा, सारे 84 लाख यानी जब तक मेरे पेट में नहीं चले जाएंगे तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। नहीं, अभी भी यू टर्न ले सकता है समाज, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप समाज को वापिस उसी दिशा में आ जाना चाहिए जहां से पथ भ्रष्ट हुआ है, जहां से गिरा है। शाकाहारी भोजन को ही भगवान ने सतोगुणी भोजन बोला है और ये सुख प्रदान करने वाला है। इसी भोजन के अंदर बल है, बुद्धि है, देखिए कितने गुण है। आयु, आयु को बढ़ाने वाला शुद्ध शाकाहारी भोजन। आयु सत्व, बुद्धि को बढ़ाने वाला। आयु सत्व बल, आरोग्य बल, बल प्रदान करने वाला। लोग सोचते हैं अरे शाकाहारी, अभी अभी 2 दिन पहले किसी में डेनमार्क के एक व्यक्ति के साथ बात करता था, वो भी थोड़ी थोड़ी हिंदू फिलॉसफी को समझते हैं, जानते हैं, पेयर नाम है उनका। उनको मैं बोल रहा था कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं वेजिटेरियन फैमिली में मेरा जन्म हुआ। वेजिटेरियन तो आप गाजर खा के रहते हैं, यू ईट ओनली कैरेट, कैसे जीते हैं आप और आप स्वस्थ रहते हैं? तो उनको बेचारों को मालूम नहीं, जिनका जन्म, जिनकी 7 पीढ़ियां मांस ही खाती चली आ रही हैं, वो समझते हैं कि बिना मांस के आदमी कैसे रह सकता है। लेकिन हमारे भारतीय लोग तो इस बात को, और साइंटिस्ट और आयुर्वेद के शोधकर्ता, बड़े बड़े विद्वान वैद्य इन चीजों को जानते हैं कि शाकाहारी भोजन जितना शुद्ध ऊंची मात्रा में किया जाएगा उतना ही आयु को, बल को, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, स्वस्थ आरोग्य को बढ़ाने वाला है। और जिनके अनुभव हैं, जिन बुजुर्गों के जो आज भी जमीन पर हैं, चाहे वो भारत में हो या मॉरिशस में हो या अमेरिका में हो, उनको मालूम है कि शाकाहारी सच्चा भोजन है। चाहे आदत गलत पड़ गई हो, यू टर्न नहीं लिया है अभी तक, गलत दिशा को चल दिए हो, ये स्वाद के गुलाम बन करके, बात अलग है, लेकिन उनको मालूम है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सुख यानी सुख का देने वाला, आनंद का देने वाला, और प्रीति यानी हृदय में प्रेम जागृत करने वाला शाकाहारी भोजन है, दूसरा नहीं। आयु सत्व बल आरोग्य, सत्व यानी बुद्धि। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये वाणी आती है कि जैसा अन्न खाओगे ऐसी बुद्धि बनेगी, ऐसा ही मन बनेगा। तो भोजन का ही तो सारा शरीर है, और भोजन का ही ब्लड बनता है, भोजन का ही वीर्य बनता है, और भोजन का ही, और जो अर्क जैसा उच्च स्तर का अंश है वो ही तो बुद्धि और मन बनता है। ईश्वर एक है, लेकिन उसको पाने के लिए तो सिद्धियां, चाहे छोटी सिद्धि हो या सबसे अंतिम हाईएस्ट सिद्धि हो भगवान के धाम को जाने की, तो तारतम्य तो एक ही है, दो नहीं है कि शरीर अलग है और मन अलग है और बुद्धि अलग है। नहीं, ये भोजन का ही शरीर है, और उस भोजन का ही एक जो सार रूप है, तत्व रूप अर्क जो निकला है, वो ही मन है, बुद्धि है, विचार है, अहंकार है।
उन्हीं से एक सत्वगुण वृत्ति प्रकट होती है, उन्हीं से रजोगुणी भोजन से, और उन्हीं से तमोगुणी वृत्ति प्रकट होती है, विचारधारा प्रकट होती है, भावना के ऊपर इसका पूरा असर पड़ता है, आपकी प्योरिटी के ऊपर इसका पूरा असर पड़ता है भोजन का। इसलिए ऋग्वेद के सूत्र हैं, आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धि सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण क्या? मन बुद्धि अहंकार और चित्त के विचार। चित्त या विचार केंद्र ये मन का ही एक, इस मन रूपी डिपार्टमेंट का एक खंड है, एक डिपार्टमेंट है मन का, जिसमें विचार उठते हैं और शांत होते हैं। मन केंद्र रूप में है, इसकी शाखाओं में विचार है। आहार जो हम पांच ज्ञानेंद्रियों के मार्फत लेते हैं, द्वारा लेते हैं, पांच ज्ञानेंद्रियों के जरिए हम आहार करते हैं, कानों से आहार करते हैं, क्या सुन रहे हैं दिन भर, आंखों से क्या देख रहे हैं दिन रात, नाक से सूंघ कर, त्वचा से स्पर्श करके, क्या स्पर्श कर रहे हैं, किससे हाथ मिला रहे हैं, किसका आलिंगन कर रहे हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं, रजोगुण स्पर्श कर रहे हैं या तमोगुण या सतोगुण, कोई संत के चरण स्पर्श कर रहे हैं या कोई वैश्या का आलिंगन कर रहे हैं, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए पांचों ज्ञानेंद्रियां ही समाहित हैं भोज आहार के लिए, एनर्जी रिसीव करने के लिए। और ये एनर्जी, ये आहार पांच के माध्यम से ही बाहर जाता है। जिस जीभ से हम स्वाद लेते हैं उसी जीभ को सारे दिन चकड़ 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 करते रहो तो एनर्जी नष्ट हो जाती है। जिस आंखों के माध्यम से हम आहार लेते हैं, इन आंखों के माध्यम से निकल भी जाती है, आंखों से हमारी बहुत शक्ति व्यय हो जाती है। 50% शक्ति आंखों के, जितने आप खुली रखोगे उतनी शक्ति नष्ट हो जाती है। तो रिसीविंग प्रोसेस है आहार, वो पांच ज्ञान इंद्रियों से होता है। उसमें मुख्य क्या रखा है? रसना, जीभ, टंग, ये स्वाद है। ये स्वाद के कारण से हमारे विचारधाराएं बदल जाती हैं। कहिए कि सेंटर में ये जीभ है और चारों तरफ इसके ये चार दूसरी इंद्रियां हैं। अगर जीभ जैसे स्वाद लेगी ऐसे ही फिर ये दूसरे फंक्शन करने लगेंगे। पूरा शरीर विचारधारा ही आपका आहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ब्रांचेस फंक्शन करती हैं। आपका आहार बिगड़ा हुआ है तो आपको सुनने को भी बिगड़ी हुई चीज चाहिए, देखने को भी बिगड़ी हुई चीज चाहिए, सूंघने को भी बिगड़ी हुई चीज चाहिए। तभी तो लोग तंबाकू सूंघते हैं, सूंघने की तंबाकू भी आती है ना, बीड़ी सिगरेट का धुआं सूंघते हैं, और एक सूंघने का और आता है वो हेरोइन, उसको जला के उसको सूंघते हैं, ये सूंघने। तो आहार बिगड़ गया इसलिए सारा मामला गड़बड़ हो रहा है, स्वाद बिगड़ गया। नहीं, स्वाद के पीछे अनेकों प्रकार के उपद्रव खड़े न करें। जो हमारा वास्तव में प्रकृति ने हमको भोजन प्रदान किया है शाकाहारी, वो ही करें। उसके लिए भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, सभी धर्म संप्रदाय शास्त्र प्रेरणा कर रहे हैं। उसको स्वीकार करना हमारी हमको जीने की कला सीखना का अवसर प्रदान होता है कि हम कैसे जीवन को जिए। तब ये पृथ्वी स्वर्ग नजर आएगी, तब ये पृथ्वी का कण कण परमेश्वर नजर आएगा, तब ये संसार आपको, तब आपका सर कहीं भी झुक जाएगा। मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मस्जिद या गुरुद्वारा,
नहीं, आपको आपको भगवान के दर्शन जहां आपकी भावना और प्रेम उमड़ा वहीं दर्शन हो जाएंगे, पेड़ों में, पंछियों में, पशुओं में, नरों में, बानरों में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में। प्रेम के बिना काम नहीं चलता। प्रेम नहीं इसलिए तो फौज फाटे खड़े सारे संसार के, एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है। प्रेम नहीं, प्रेम नहीं इसलिए तो एक भाई भूखा मरता है और दूसरा राजमहलों में बैठा है। प्रेम नहीं, प्रेम के बिना कोर्ट कचहरी है न, क्या जरूरत है इनकी। प्रेम हो तो कोर्ट कचहरी हो, क्या जरूरत है। प्रेम नहीं इसलिए केस होते हैं, मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, डाके डलते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, पुलिस फौज फाटे सब बंदोबस्त होते हैं। प्रेम नहीं, प्रेम के हृदय में, जिनके हृदय में प्रेम होता है वह सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं और परमेश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहां प्रेम होता है, उससे पहले नहीं। इसलिए किसी महान शायर ने कहा है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी आंख वाले ने इसकी पहचान की। आंख तो होनी चाहिए, कोई ज्ञान चक्षु, कोई अनुभव का चक्षु होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए, और वो रियलाइजेशन सतोगुण से नीचे नहीं प्राप्त होता। जो रियलाइजेशन की भगवान बात कर रहे हैं वो सतोगुणी व्यक्ति के हृदय में अनुभव होता है उस परमेश्वर का, उस प्रकृति के सौंदर्य का, उस फूल की खुशबू को पहचानने और जानने वाला वही शख्स होता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। एक मैंने सुना है किसी संत महात्मा जी के मुंह से, एक माली एक बाग के अंदर नाच रहा था खिले हुए फूलों को देख करके, क्योंकि माली ने उनको बोया था, सींचा था, सुधारा था क्यारियों को, बाग को। जब फूल खिले तो नाच रहा था अकेला मस्त। एक सुनार भी वॉकिंग करने उस पार्क में चला गया, उसने बोला अरे भाई नाच क्यों रहे हो, क्या हो गया तुमको। बोलो देखते नहीं, ये फूल साक्षात भगवान के जैसे दर्शन हो रहे हैं, बगीचा महक रहा है। तो मुझे, मैं नाचू नहीं तो क्या करूं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आनंद भगवान का रूप है, ध्यान रखिए, सच्चा आनंद। सुनार ने पूछा मुझे बतलाओ तो सही, इन फूलों में है क्या, कहां है भगवान इनमें, कहां है आनंद इनमें। तो उसने तोड़ तोड़ के कली कली अलग कर दी एक फूल को सुनार ने, बोले मुझे तो इनमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो सुनार को फूलों में खुशबू या आनंद का या प्रेम की खुशबू कैसे आए। सुनार के हृदय में, मन मस्तिष्क में तो सोना ही सोना है, वो कसौटी पे जब तक नहीं कस ले उसको, कैसे सोने को भी वो रिजेक्ट कर देगा जब तक प्रूफ नहीं करे कसौटी। नहीं, उसके लिए तो माली की ही आंख चाहिए, माली का हृदय चाहिए, जिस माली ने उन बीजों को बोया, अंकुर निकले, सींचा, पौधे बड़े हुए और उनमें नाना प्रकार के फूल निकलने लगे और फूलों से खुशबू, महक गया पूरा बाग। तो माली नाचता है, माली ने जो अनुभव किया वो सुनार कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकता। सतोगुण के अंदर अनुभव उस परमात्मा का झलकता है, रजोगुण तमोगुण में नहीं। रजोगुण में संसार का अनुभव झलक सकता है, तमोगुण में वो भी नहीं झलकता। तमोगुण नाम ही तमोगुण है, तम यानी अंधकार, जो अंधकार में ही जी रहा है, जो अंधा होके अपने जीवन को जी रहा है। अंधों को आंखें दी जीसस ने, ऐसे ही अंधों को आंखें दी थी
ये मत सोचो कोई आंख फूट गई थी उसको आंख प्रदान कर दी, नहीं। ऐसे महापुरुष, ऐसे जिनको भगवान का अवतार कहा है, ये ऐसे चमत्कार नहीं दिखाते छोटे मोटे, ये तो पूरे समाज को लाभान्वित करने आते हैं। जो अंधे थे, जो अंधकार में जीवन जीते थे, उनको आंखें दी थी जीसस ने। मुर्दों को जिंदा किया था, जो जिंदगी को मुर्दे के समान जीते हैं। बीमारों को स्वस्थ किया था, जिनके मन बुद्धि अहंकार बीमार हैं, जो इस जीवन को बीमारों की तरह, घायलों की तरह जीते हैं। बीमार जैसे बीमारी हो गई हो, रोग लग गया हो, बुद्धि में जंक लग गई हो, विचारों में पाला पड़ गया हो, ऐसे जीते हैं बीमार होकर के। उन बीमारों को स्वस्थ किया, तंदुरुस्त किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने नचाया। चैतन्य महाप्रभु ने डाकुओं को नचाया, चोरों को नचाया, जिनके पांव कभी नाचना सीखे ही नहीं उनको नचाया। सोतों को जगाया, कोई भी महापुरुष सोतों को जगाने आता है, अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है कि सुनो, अरे सुनो कैसी ध्वनें आ रही हैं, उस परमात्मा की मुरली बज रही है, मुरली की धुन सुनो। इन हवाओं के माध्यम से सर्वत्र संगीत बद्ध है, सारा विश्व, जरा सुनो उसके पवित्र नामों को, सुनो उनमें कितना रस है, उनका पान करो। चैतन्य महाप्रभु जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका पान करो। गुरु नानक देव जी ने भी वही श्रवण शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, बहरों को कान दिए, अंधों को आंखें दी, बीमारों को स्वस्थ किया। और जो सोए हुए उनको जगाया, जो सो रहे थे, सोते सोते जिंदगी जीते हैं, उनको होश ही नहीं है। सोते आदमी को कुछ होश होता है? सोए हुए आदमी के ऊपर चाहे मच्छर काटे या सांप निकल जाए ऊपर से, उसको पता ही नहीं है। कोबरा निकल रहा है शरीर के ऊपर से, सोए हुए आदमी को पता नहीं है। घर में आग लग रही है, उसको पता नहीं चलता। कहीं सोया पड़ा है, खर्नाटे मार रहा है, लेकिन कोई जगाने वाला चाहिए कि अरे मूर्ख खड़ा हो, घर में आग लगी हुई है, बाहर निकल भाग के। संतों ने यही कहा कि संसार दावा नल लीड लोका, ये संसार में दावा नल लगी हुई है, दावाग्नि। लेकिन जो मूर्छित पड़े हैं, सोए पड़े हैं, उनको कैसे मालूम चले कि वो कहेंगे दावा ने दावाग्नि कहा है? अरे मदिरालय हैं, वैश्यालय हैं, कसिनो हैं, कार हमारे पास है, हम भ्रमण कर सकते हैं, धन है, पैसा है, किधर आग लग रही है भाई? हमारा सेफ डिपॉजिट है बैंक में, बैंक बैलेंस है, स्विस बैंक में खाते हैं, किधर आग लग रही है? हमको तो नहीं नजर आता। ये बेकार की बात मत करो। नहीं, जिन्होंने रियलाइज किया इस अग्नि को, उन्होंने कहा कि संसार दावा नल है। संसार दावा नल लीढ़लो का, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, बुद्ध ने जाना
बतलाया, महावीर ने जाना बतलाया, गुरु नानक देव ने जाना बतलाया, चैतन्य महापुरुष ने जाना बतलाया, भक्ति विनोद ठाकुर ने जाना बतलाया, प्रभुपाद जी महाराज ने जाना बतलाया, रामकृष्ण परमहंस ने जाना बतलाया, जीसस ने जाना बतलाया, मोहम्मद ने जाना बतलाया, जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने बतलाया समाज को कि दावा नल है, निकलो यहां से, कहां फंसे हुए हो, कहां ये भोग विलासों में उतरे हुए हो। नहीं, हमको यू टर्न लेना चाहिए, समाज बहुत विक्षिप्त दशा में है, भयभीत है, एक से दूसरा भयभीत है। देखिए जरा पड़ोसियों को ही, एक पड़ोसी दूसरे से भयभीत है, चोर पुलिस वाले से भयभीत है, पुलिस वाला चोर से भयभीत है, पाकिस्तान इंडिया से भयभीत है, इंडिया पाकिस्तान से भयभीत है, अमेरिका रसिया जर्मन लंदन कोरिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया जापान चाइना एक दूसरे से भयभीत है, पूरा समाज भयभीत है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भयभीत है, एक जानवर दूसरे जानवर से भयभीत है, लेकिन मनुष्य से सारा विश्व भयभीत है। तो मनुष्य की दशा गलत है, मनुष्य जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, तो यू टर्न ले सकता है, आज भी यू टर्न ले सकता है, सुख पाएगा, सुखी होगा, निरोगी होगा, जागेगा सोए से, बचेगा दावानल से। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, तो प्रेम से अपना घट भरेगा, यू टर्न ले लेगा तभी, दिशा परिवर्तन करने से और कोई जरिया नहीं है। सुख के लिए डोल तो रहे हम, कभी लंदन से इंग्लैंड, इंग्लैंड से अमेरिका, सुख प्राप्त करने, लेकिन मिलेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख को सुख मान ले कि आइसक्रीम खा रहे हैं या कार में घूम रहे हैं या एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, ये क्षणिक सुख, इसको सुख नहीं कहा शास्त्रों ने, आइसक्रीम के सुख को सुख नहीं कहा, क्योंकि इस सुख के पीछे दुख खड़ा है, वो छाया पड़ रही है तुम्हारे ऊपर लेकिन पता नहीं चल रहा उस दुख की, उस कार की, उस पैसे की दौड़ की, या वो जो तिजोरी भर ली है उसके पीछे बड़ा दुख, भयंकर दुख खड़ा है, या जो चट खा रहे हैं पी रहे हैं मदिरा, क्या मदिरा के पीछे दुख नहीं खड़ा? मदिरा पीने से ब्रेन नष्ट हो जाता है, वैज्ञानिक प्रूफ है। तो ब्रेन ही नष्ट हो गया तो आपका क्या हाल होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि नाशो प्रणश्यति, जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका तो पतन निश्चित है। तो वो तो आप देख सकते हैं, आपकी बुद्धि और मन ही विक्षिप्त है, तो आपको कौन इस जीवन में सफल व्यक्ति कहेगा? आर फाउंडेशन है आपके जीवन का, आपके सुख का, आयु का, बल का, आहार को सुधारना चाहिए। बल भी मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है, ये तीनों ही प्रकार के बल आहार पर डिपेंड करते हैं। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है आहार से, और कोई जरिया नहीं है। आहार ही बिगड़ा हुआ है, विक्षिप्त है, वॉयलेंट है, हिंसक आहार करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जो आहार ग्रहण करते हैं उससे तो विनाश ही होता है समाज का, सभी का। नहीं,
गौ का या बैल का या भैंस का या हाथी का घोड़े का आहार घास है, वो घास में खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, बलिष्ठ रह सकते हैं, बुद्धि स्थिर रह सकती है। भाई दूसरे तुम आहार करवाओगे तो वो बेकार हो जाएंगे। लोग घोड़े को भी जबरदस्ती मांस खिलाते हैं रेस में भगाने के लिए, वो घोड़े घोड़े नहीं रहे, वो तो अपने जैसे ही बना लिए उन्होंने, अधकचरे कर दिए, ना इधर के रहे ना उधर के। उससे अच्छे तो जब ही थे जो घास खाते थे, तभी उनमें शक्ति थी, सोच समझ थी, दौड़ने की सब प्रकार से बल था। लेकिन मनुष्य के संपर्क में आके जो भी जानवर आएगा वो भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि मनुष्य बिगड़ा हुआ है, मनुष्य प्रकृति के खिलाफ चलता है, लॉ ऑफ नेचर नहीं मानता। तो ये तारतम्य अगर प्रकृति के साथ नहीं है हमारा, तो हम दुखी होंगे और क्या होगा। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रश्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। ये सात्विक प्रिया, ये सात्विक आदमी के प्रिय भोजन है, स्निग्ध चिकने, घी दूध मलाई मक्खन, स्थिरा जो बुद्धि को मन को वीर्य को स्थिर रख सके। चलायमान बुद्धि वाले को देखिए, बंदर से भी नीचे गिर जाता है स्थिति में, जिसका मन बुद्धि चलायमान है, वीर्य चलायमान होता है, तो किधर भी वो बहाता है, भोग विलासों में चला जाता है। ये सब स्थिर होनी चाहिए। तो स्थिर तभी रहेंगे जब हम आहार स्थिर आहार करेंगे, हमारा डेवलपमेंट स्थिर रखने वाले आहार से होगा, और वो सतोगुणी आहार है भगवान कहते हैं, हृदय को खुश करने वाले आहार। स्निग्ध चिकने रस्या रसयुक्त रसीले, रस कहते हैं जूस को, जूस जूस वाले रसीले, गन्ने का रस है, ऑरेंज का रस है, आम रस है, अंगूर का रस है, ऑरेंज इत्यादि अनेकों रस है, एक नहीं अनार का रस है। शराब के लिए नहीं कहा जा रहा कि शराब सतोगुणी है, कि ये भी तो अंगूर की बेटी है, नहीं, ये सड़ा हुआ अंगूर है, सड़ी दशा में गया हुआ तो तमोगुण है, इसलिए शराब को तमोगुण बोला है, अंधकार में ले जाती है शराब। अंधकार का मतलब ये नहीं कि आपको सूर्य से उजाले से दूर कर दे, कि हमने तो ट्यूबलाइट जला रखी है, सारा शहर जगमगा रहा है, दिन के प्रकाश में रह रहे हैं, काम अंधेरे में, अंधकार में बुद्धि बनाती है, अंधकार में विचारों में दौड़ाती है, झूठी दुनिया में जीना सिखाती है, हिंसा भड़काने वाला आहार है, डराने वाला आहार है, नियत खराब करने वाला आहार है। शराब पी के आदमी अपने को ही भूल जाता है, फिर दूसरे को क्या पहचानेगा।